नमस्कार भाई जी, भाइयों को। तो भाई जो भी नया आया बंदा चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पूरी देखना, क्योंकि 87 क्वेश्चन कराऊंगा। 87 आज चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा पूरा इस वीडियो में। जो पीछे क्वेश्चन रह गया ना, वह जब सर करा उसने सोल्व में करा दूंगा। सिंपलीफिकेशन क्या है, सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वह मैं करा रहा हूँ पहले, ठीक है भाई। तो एक बार 87वां क्वेश्चन देखना भाई। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 200 को गुणा करने पर वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त परिपूर्ण संख्या वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने कंप्लीट स्क्वायर बनानी है भाई। वो जो भी हमारे पास संख्या है, तो संख्या दे रखी है 200, तो 200 के हमने बना लेने फैक्टर। तो 200 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे हमारे पास? एक तो बनेगा 5, 2, 2, 2, 2, इन्हें गुणा करोगे तो 200 हो जाए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे, 20 पंजे 100, और 100 दूनी 200, ठीक है भाई। तो हम नया वर्गमूल बनाई। वर्गमूल बनाने के लिए हमने क्या करता है, जोड़े बनाने पड़ते हैं। देखो 5 के 2 जोड़े होगी, 1 5 ये है और 1 5 ये है, ठीक है। उसके बाद 2 2 के भी 2 जोड़े होगी, 1 जोड़ा हो गया। 2 2 मतलब 2 हो गए, 1 जोड़ा हो गया। बच क्या गया भाई, 2 बच गया हमारे पास। तो जो ये 2 बचे हैं ना, इसको हम अगर गुणा करेंगे 200 से, तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जैसे 200 को 2 तो गुणा करेंगे तो बन जाए 400, जो कि 20 का स्क्वेयर होता है। तो 2 वो संख्या होगी जिसको हम 20 से गुणा, 200 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या करना, पेयर बना लें। 5 के पेयर बन गए, 2 के पेयर बन गए, 1 बच गया एक्स्ट्रा, वो है 2। तो 2 ही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर है 2 87 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना 88वां। किसी सभा भवन में 7744 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। सभा भवन में कितनी पंक्तियां हैं? जो 7744 है भाई, इसका हमने निकालना है इसमें अंडर रूट। तो इस टाइप के आपने सवाल समझने पड़ेंगे भाई, कि भाई क्या सवाल दे रखे यार, इसमें क्या निकालना है, ठीक है। तो 7744 स्टूडेंट बैठे हैं एक हॉल में, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने बनानी है सेम। तो क्या करेंगे हम इसमें, कर देंगे इसका अंडर रूट भाई। तो ये हमारे पास 7744, मैंने पहली बेसिक वीडियो में बताया था भाई कैसे अंडर रूट निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड से। अगर नहीं देखी है तो वीडियो देख ले, इसे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपने समय पहली, ठीक है। तो क्या है 44, तो 4 किस किस के लास्ट में आता है स्क्वेयर के? एक तो 2 के स्क्वेयर में आता है 2 2 जो 4, और एक 8 के स्क्वेयर में 8 2 64, जो कि 4 होता है यूनिट डिजिट इसका। तो उसके बाद अब देख रहे हैं अगले दो नंबर। तो किसके स्क्वेयर के नीचे है 8 2 64 है, और नीम नीम 81 है। तो 9 9 जाए 81, 81 बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमने 81 बड़ा वाला लेना है, छोटा लेना लेना है। तो 8 2 64, तो चाहे तो 82 होगा, चाहे होगा 88। तो क्या करना है, जो 8 आया ना भाई आगे, तो उसको ना एक नंबर बड़े तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 63, इसने और इसके अगले दो नंबर आने कंपेयर कर लो। देखो यो बड़ा है, यो देखना हमने, यो अगर बड़ा है तो हमने बड़ा नंबर लेना है। तो ये हो जाएगा 88 का 7 7 4 4, अंडर रूट का आंसर हो जाएगा 88। अगर नहीं समझ में, थोड़ा स्किप करके फिर देख लो, समझ में आ जाए बिल्कुल। 88 हो जाएगा इसका आंसर। तो 88 वाले का आंसर है 88, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन देख लो अगला। 1225 आर कलेक्टेड इन ए स्कूल इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड फीस पेड बाय स्टूडेंट इज इक्वल, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। वो है भाई 1225 दे रखे हैं, उसमें पहले क्या है रो और नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होने चाहिए। इसमें क्या है भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट और फीस जो उन्होंने दी है वो सेम होनी चाहिए। तो हम 1225 का कर देंगे अंडर रूट। 1225 का अंडर रूट करेंगे, वही मेथड हमारे पास। 25 किसके लास्ट में आ रहा है, 5 के 25 25, मतलब 5 लास्ट आओ उसके में, और 3 3 9 4 4 16, 4 4 16 तो बड़ा हो जाएगा 12, 3 3 9 इसलिए छोटा है, तो 35 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। 89th है जो ये नंबर है 1225, वो है 35 का अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1245 सो दैट इट बिकम परफेक्ट स्क्वेयर, ठीक है भाई। तो यो करना हमने डिवीजन वाले मेथड थे, सर ने बताया था उसमें क्लास में, एक बार फिर बताता हूँ मैं। जैसे नंबर देख लो क्या दे रखा, 1245, सो दैट इट बिकम परफेक्ट स्क्वेयर, स्मॉलेस्ट नंबर उसमें से क्या घटाएं। तो दो चीज़ बता होनी चाहिए, एक तो है घटा, एक आ गया देखो नीचे में जो मतलब ऐड, उसमें क्या जोड़े। छोटे वाले में तो जो नंबर लास्ट वाला रखा है छोटा रखना है, और जो नीचे लास्ट में रिमाइंडर वाले में आएगा वो उसमें रखना है नंबर बड़ा जो भी बचेगा। तो एक बार क्वेश्चन कराता हूँ मैं, तो समझ में आ जा। नंबर देर क्या देखो 1245, तो डिवीजन मेथड होता है, दो दो के पेयर बनते हैं भाई, एक पेयर पिछला हो बनेगा, एक पेयर अगला बनेगा वो बनेगा। तो वह स्क्वायर देखना हमने, 3 3 9 4 4 16, 16 बड़ा हो जाएगा, तो 3 3 9 ये लेना हमने,
तो 3 3 9 9 आ गए इसके नीचे, तो 12 में 3 हो गए भाई 3। पेर का पेर उतरेगा, कभी भी एक नंबर नहीं उतरेगा डिवीजन वाले इस मेथड में। तो पूरा पूरा पेर उतार लिया 45, तो 345 बन गया। उस बेस के 3 का डबल कर देना, मतलब 3 में 3 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6। तो ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, जैसे 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई इस टाइप में, देखो जैसे 64, या अगर यहाँ आपने 4 लिया है तो 64 को 4 से करना पड़ेगा, अगर 3 लिया तो 63 को 3 तक करना पड़ेगा, अगर 2 लिया तो 62 को 2 तक करना पड़ेगा। तो हमने इस तक कोई भी छोटा नंबर चाहिए तो 65 को 5 से गुणा करोगे ना भाई, तो आएगा हमारे पास 325, जो कि इससे छोटा है। सब्ट्रैक्टेड वाले में हमेशा लास्ट वाला नंबर है ना ये छोटा लेना, वो मैं बता रहा था भाई पहले बताई थी, तो समझ में आएगा। ये नंबर लेना हमने हमेशा छोटा, जब उसने नु करेगा भाई इसमें से हम क्या घटाए कि यह पूर्ण वर्गमूल मिल जाए, तो हमने लेना छोटा, तो आंसर आ जाए हमारे पास 20। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास भाई इसका 20। 91 भाई क्वेश्चन है, 91 का है डी। रुक जाओ भाई, ये अपना क्वेश्चन था 90 का, ये 20 है। ठीक है, 90 होगा बी, 90 का होगा सी, जो कि 20 आंसर बताया। अगले मैंने गलती कर दिया, अगले का देख लिया था आंसर। तो उसके बाद दे रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड। देखो पिछले वाले में कहता दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें कह दिया भाई उसमें क्या जोड़ें कि भाई 1245 पूर्ण स्क्वेयर बन जावे। ठीक है, तो 1275 लेना, 1275 है भाई, सॉरी 1275 नंबर है, दो दो के पेयर बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद 3 3 3 9 और 4 4 16, 16 बड़ा हो जाएगा इसलिए हमने 3 3 9 लेना। 12 में 3 हो गए 3, 12 में 3 हो गए 3, उसके बाद 3 में फिर 3 जोड़ दो, 3 और 3 6। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम 66 लिया तो 66 को 6 तय करना पड़ेगा। तो इब का है ना भाई क्या जोड़ें कि भाई पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये वाला नंबर जो हमने लेना ना इस 66 को 6 तय करें 396 होगा, और वो हमने लेना इस तक बड़ा कि भाई हम इसमें क्या जोड़ें कि भाई पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 396 मतलब 75 घटा दे 21 आ जाए हमारे पास आंसर। उसमें था भाई उसमें से क्या घटाएं, घटाएं तो हमने नंबर लेना छोटा, और इसमें क्या है इसमें से क्या जोड़े तो हमने नीचे वाला नंबर लेना है बड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गई, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसने यह बात समझ में आई तो क्वेश्चन बढ़िया नाल कर लेगा। 396 375 गए, 2 375 गए, 21 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो 21 हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद वट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 42 50 सो दैट इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। वो है सेम क्वेश्चन है भाई, सब्ट्रैक्टेड है मतलब हमने लास्ट में छोटा लेना है जो बचेगा हमारे, तो दो दो के पेयर बनाने 42 50 42 50। तो 92 क्वेश्चन है 42 50 42 50, ये अपना दो दो पेयर बना ले, छिक छिक 36 और 47 49 हो जाएगा 42 तो बड़ा, इसलिए हमने लिया छिक छिक 36, तो 36 आ गया, 42 में 36 गए 6 और 50 नुकान उतर जाएगा पूरा का पूरा पेयर, तो ये बढ़ गया 650, 6 और 6 हो जाएंगे 12, ये 12 आ गया आगे, तो 112 ने ऐसे किस नंबर तक मतलब 125 पंजे करेंगे तो 625 आ जाएगा। हमने छोटी से छोटी संख्या जो घटाएं, घटाएं तो मतलब 650 था, हमने कोई भी छोटा नंबर लेना जो कि इसके नज़दीक हो समय, तो 125 ने 5 तो गुणा कर दो 625 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास भाई 25, 92 का आंसर 25। ठीक है, उसके बाद 93 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड, इसमें फिर वो पूछा भाई क्या जोड़े 5600 टू मेट एक टू मेक इट वोल स्क्वेयर, 5600 में क्या जोड़े, तो दो दो के पेयर बनाए 47 49 68 64 64 बड़ा हो जाएगा 56 तय, इसलिए लिया हमने 47 49 49 में 56 गया जाएगा 7, 2 की 2 0 न्यू का न्यू पेयर उतरे आया, 7 का डबल क्या हो जाएगा 14 14 ने 14 146 इंटू में 6 नंबर लेना हमने बड़ा, क्योंकि इसमें क्या जोड़े कि भाई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमने बड़ा नंबर लेना है, तो 725 आ गया, 725 में मतलब 700 घटा दिया आंसर आ जाए हमारे पास 25 भाई। ठीक है, अगला देखो 94 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी हमने डिजिट मान, देखो पहले तो यह होगी 4 डिजिट की संख्या कोई भी, ठीक है, विच इज परफेक्ट स्क्वायर मतलब इससे नीचे तो जाना नहीं भाई हमने, ठीक है, इससे नीचे जाओगे तो 3 डिजिट की हो जाएगी संख्या, तो वो हमने लेनी नहीं, तो हमने इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा ना, कुछ भी जोड़ो एक्स, तो कि भाई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्वेश्चन क्या बना है, यह छोटी से छोटी संख्या बताए भाई जिसमें कुछ भी जोड़ें
व्हाट शुड बी एडिड सो इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। भाई इसमें क्या जोड़े कि भाई ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो एक क्वेश्चन बन गया ये एडिड वाला। तो संख्या हमने क्या ले ली, 1000, 1000 हमने ले ली भाई संख्या, पेयर बना लिए दो दो के, तो 3 3 9 बच गया, 9 में 10 में 2 गया 1, 3 का डबल कर लो 3 3 6, तो 6 ने कितने तो मल्टीप्लाई करा यार, कि हमने क्या करना जोड़ना है कि भाई इसमें क्या जोड़े कि भाई यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या जोड़ेगा मतलब क्या है, हमने ये वाली संख्या बड़ी लेनी है 100 है, तो 63 ले लिया, 62 को 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 124, तो संख्या क्या जोड़नी पड़ेगी हमने 24, क्योंकि 124 में तो 100 गया भाई, 24 आंसर है इसका, तो 100 में 24 जोड़ दो, संख्या हो जाएगी हमारे पास 1024। समझता हूँ भाई, समझ में आ गया होगा भाई, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार स्किप करके वीडियो ने पूरी देख लियो यार, समझ में आ जाए ध्यान, एक बार में नहीं आओगा आधेगा अभी जगह, लेकिन कहीं आगे नहीं आता, तो एक बार पीछे दोबारा करके देख लो यार, रिक्वेस्ट है जिसका नहीं समझ में आए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखो 95, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 6 डिजिट कोई भी नंबर ले लो, 2 4 8 6, देखो इसमें कुछ भी ऐड करेंगे हम, एक भी ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, 7 डिजिट का बन जाएगा। तो हमने क्वेश्चन कैसे बनाना कि भाई इसमें से क्या घटाएं, छोटी से छोटी संख्या इसमें से क्या घटाएं कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो है पिछले वाला जोड़ क्वेश्चन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो क्या आएगा जो लास्ट वाला नंबर होगा वो हमने रिमाइंडर तो छोटा रखना है, तो है 99 99 99, 3 पेयर बन गए भाई, तो नीम नीम 81, 10 तक करोगे तो 100 जगह बड़ा हो जाएगा, तो नीम नीम 81 99 तो 81 का भाई कितना आया 18, 99 का पेयर डाल लो पूरा पूरा, जो 99 पेयर आएगा तो 9 में 9 जोड़ा 18 आ गया, तो 189 9 मल्टीप्लाई करते 189 गुणा में 9 तो आ जाएगा 1701। रिमाइंडर बचा हमारे पास क्या, 9 में 3 गया 8, 9 में 0 गया 9 और 17 में 18 गया 1, तो फिर 99 का एक और पेयर उतरिया होगा यहाँ 1 9 8 9 9 बन गया, फिर 189 में 9 जोड़ दो तो ये नंबर क्या आएगा 198, फिर 198 ने 9 और 9 तो गुणा 198 ने 9 और 9 तो गुणा, जो भाई नंबर होता है देखो 3 वाला पहली बार आया, तो जो ये नंबर आएगा ना इसमें 9 जोड़ना है तो वो वाला नंबर आएगा यू, देखो 189 में 9 जोड़ 9 9 जा 18 9 9 9 9 18 और 1 198, देखो जो ये आ गया उसमें हमने क्या मल्टीप्लाई करें भाई 1 9 1 9 8 9 मल्टीप्लाई बाई 9 तो आ जाए 7901। तो हमने छोटी संख्या लेनी क्योंकि हमने बताया था इस तक कोई एक नंबर ही बड़ा चला गया तो 7 नंबर की संख्या बन जाएगी, तो हमने इसमें तक क्या छोटे से छोटा घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमने छोटा नंबर लेना भाई इस तरह, समझ गए होगी इतनी बात, तो ये घटाओगे तो नंबर आ जाए हमारे पास 1998, और तुमने नंबर पता लगाना है तो इसमें तो इसने घटा दो 2 4 6 6 संख्या की है 1998 घटा दोगे तो आंसर आ जाए 99 8001, 99 8001 आ जाओ भाई इसका आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो भाई दोबारा स्किप करके पीछे देख लो वीडियो, थोड़ी भाई गले में प्रॉब्लम है यार, कोई ऑडियो में प्रॉब्लम हो तो यार समझना बात है, गले में प्रॉब्लम है थोड़ी। तो एक बार 96 क्वेश्चन और देख लो यार, अ जनरल अरेंज दी सोल्जर इन रो मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर सो दैट 50 सोल्जर रिमेन विदाउट अरेंजमेंट, इफ ही हैज 6450 सोल्जर टोटल देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो। क्या कह रहा है भाई, 6450 थे टोटल, उसमें तो जो उसने नहीं सोचा भाई पूरा का पूरे लाइन सेम आनी चाहिए, और उसका वो बनना चाहिए भाई पूरा, एक भी फालतू और कम नहीं होना चाहिए बंदा, पूरे पूरे लाइन अच्छी डाल होनी चाहिए, जैसे एक लाइन लंबी हो जाती है एक छोटी है ऐसी निकली पूरी पूरी लाइन इक्वल और सेम अमाउंट में। तो उसने कहा भाई जो वो बनाने लगे ना तो 50 सोल्जर पूरे नहीं मतलब उसमें फिट नहीं बैठे, तो 50 सोल्जर उसने निकाल दिए, तो 6450 में तो क्या करे उसने 50 सोल्जर निकाल दिए, तो कितने बचेगी, तो वो नहीं कह रहा भाई 6400 को ना उसने ऐसे अरेंज कर दिया कि भैया ना पूरे पूरे रोज अच्छी डाल बनेगी और कोई भी लंबी या छोटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ लाइंस, तो 80 का स्क्वायर जो होता होता 6400 और 6400 का अंडर रूट होता है भाई 80, तो जो उसके पास टोटल नंबर ऑफ रोज बनी है
और एक रो में 80 सोल्जर हैं और 80 रो हैं, तो समझ गए देखो, जैसे एक रो में 80 सोल्जर और 80 रो हैं तो स्क्वायर बन जा बिल्कुल डब्बा भाई, कोई भी फालतू नहीं, कोई भी कम नहीं, तो 6400 का अंडर रूट 80 भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना 97, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 एंड 8। मैंने पहली भाई एचसी वेल सी वाली वीडियो में बताया होगा, जैसे हमने देखना आंसर, आंसर है बड़ा तो लेना एलसीएम, आंसर है छोटा तो लेना एचसीएफ। ये देखो आंसर है बड़ा, लेना एलसीएम, 3, 4, 5, 6, 8 का ले लो एलसीएम भाई, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम लिया 120 भाई। एक बार बता दूं, ये जो क्वेश्चन होते हैं यार ये समझ में नहीं आया, अगर एक आधा क्वेश्चन होगा समझ में आ जाएगा, नहीं तो अपना एच सी एफ एल सी एम के क्वेश्चन न्यू करने पड़े आ रहे हैं थोड़ा बहुत। और प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतने ज़्यादा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप मतलब लिखोगे उतना ज़्यादा अपने बढ़िया पकड़ हो जाएगी इस चैप्टर पे, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, 8 का एल सी एम लिया है, तो पूछ कह रहा है भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, 8। भाई इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, तुमने क्या करना, देखो एक तो मैंने बता दिया एलसीएम लेना है, और जो भी एलसीएम ले उसके फैक्टर बना ले, 2, 2, 3 और 2 और 5, 2 दूनी 4, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर बन गया हमारे पास ये, ठीक है। ईब देखो हमने क्या बनाना, परफेक्ट स्क्वायर मतलब दो दो के पेयर बनने चाहिए, एक पेयर ये बन गया, देखो और कोई भी पेयर बन नहीं रहा, तो हमने किस नंबर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर, 3 दूनी 6, 6 बजे 30, तो 120 ने 30 तो मल्टीप्लाई कर दो, 6, 5 दूनी 10, 10 दिए 30, 12 3 36, 2 0 आ जाएंगे इसके पीछे। एलसीएम लेना भाई, ठीक है, एलसीएम लिया उसने, पे टुकड़े में तोड़ लो, पेयर बना लो, क्योंकि हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, वो जो जो पेयर नहीं बन रहे हैं वो इसने ऊपर वाले तक कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 10, 12, 15, 18, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, 10, 12, 15, 18, एलसीएम 180, एलसीएम ने तोड़ोगे होगा 2 × 2, 2, 2 × 4, 5 चौके 20, और 20 ने कर दो फिर 9 तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 180, ठीक है। पेयर देखो बन गए, 2 का बन गया पेयर पूरा, 3 का पेयर बन गया पूरा, के रह गया 5, तो 5 ने 80 गल मल्टीप्लाई कर दो, 180 ने 5 तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाए हमारे पास 900, तो आंसर हो गया भाई इसका 900। उसके बाद 99 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वो है संख्या ये दे रखी है, एलसीएम होगा 60, 600, उसके पेयर बनाने, एक पेयर यो बन गया, एक पेयर यो बन गया, बच कितने के 2 और 3, तो 2 3 6 ने 600 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाए हमारे पास 3600, ठीक है भाई। इन एवरी क्लास स्टूडेंट डोनेट रुपीज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, टीचर पेड 25 एंड द टोटल स्टूडेंट कलेक्शन वाज, टोटल कलेक्शन 250, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जगह उसमें क्या था, सोल्जर वाले में लाइन भी उतनी थी और सोल्जर भी उतने थे, इसमें क्या कह रहा है भाई पैसे भी उतने दिए हैं और स्टूडेंट भी उतने हैं, और जिसमें 25 टीचर के हैं तो 25 भाई टीचर के निकाल दो, स्टूडेंट स्टूडेंट के रखने हमने, तो 250 में तो 25 घटा दो, 225, इसमें देखो स्टूडेंट भी उतने हैं और रुपये भी एक सारे बराबर दे रहे हैं, जैसे 50 स्टूडेंट हैं तो 85 रुपये दे रहे हैं हमें हर बंदा, 50 स्टूडेंट है 50 50 रुपये दे रहे हैं, तो इसका क्या करना हमने सिंपली अंडर रूट कर देना, 225 का अंडर रूट करोगे भाई क्या आएगा 15 आ जाएगा इसका आंसर, 25 का 5 के लास्ट में रहा यूनिट डिजिट 5, तो 25 25 25 आ रहा जाएगा एक, अगर ये नहीं समझ मार तो पहली वीडियो बेसिक वाली देख लो, ये हो गया भाई तारे 100 तक क्वेश्चन, जो बीच में रह गए सिंप्लीफिकेशन के मैं करा दूंगा 1-2 दिन में कंप्लीट, ये पेपर में पूछे जाते हैं, और ये बढ़िया डाल कर लो भाई, धन्यवाद। अगर बढ़िया लगी वीडियो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो, और जो भी भाई नया है सब्सक्राइब करे बिना ना जाइयो, बहुत सपोर्ट की जरूरत है भाई, धन्यवाद। अगर कुछ भी समझ में आए तो कमेंट में बता देना, धन्यवाद भाई।